इस वक्त मैं लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग स्थित लोहिया ट्रस्ट के बाहर मौजूद हूँ। ये दरअसल लोहिया ट्रस्ट का वो ऑफिस है जिसे फिलहाल राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से खाली कराया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लोहिया ट्रस्ट के नाम पर इस बंगले का आवंटन किया गया था और विक्रमादित्य मार्ग पर ये काफी VVIP बंगला माना जाता है। और फिलहाल अभी जो प्रहरी नाम की एक संस्था है उसकी तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी जिसमें ये कहा गया था कि लोहिया ट्रस्ट का जो आवंटन है वो गलत तरीके से फिलहाल किया गया है, क्योंकि जितने समय के लिए आवंटन किया जाना था उससे ज्यादा के समय के लिए इसका आवंटन किया गया है, लिहाजा इसको निरस्त किया जाना चाहिए और राज्य संपत्ति विभाग को इसे वापस लेना चाहिए। इसके बाद राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से जो लोहिया ट्रस्ट है उस पर एक नोटिस भेजा गया था कि वो समय सीमा के भीतर इसको खाली कर दें, और राज्य संपत्ति विभाग का नोटिस मिलने के बाद अब फिलहाल लोहिया ट्रस्ट जो है वो खाली कर दिया गया है और अब ये राज्य संपत्ति विभाग के कब्जे में है। दूसरी अहम बात यह भी है कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही तमाम सारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बंगले खाली कराए गए थे, और उसके अलावा जो माल एवेन्यू स्थित समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों का ऑफिस था उसको भी फिलहाल खाली कराया गया था। तो फिलहाल अब ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा आप कह सकते हैं सेटबैक माना जा रहा है कि पहले फ्रंटल संगठनों का ऑफिस खाली कराया गया और उसके बाद अब जो लोहिया ट्रस्ट है उसको भी फिलहाल खाली करा लिया गया है। तो अब जो ये बंगला है वो राज्य संपत्ति विभाग ने अपने सुपुर्द ले लिया है। फिलहाल ये बंगला पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसमें जो लोहिया ट्रस्ट का सामान था वो भी फिलहाल जो लोहिया ट्रस्ट के तमाम सारे लोग थे वो यहाँ से लेकर जा चुके हैं और अब ये गेट पूरी तरह से बंद है। जानकारी के मुताबिक जो लोहिया ट्रस्ट था उसके अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे और अभी भी फिलहाल वही उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी में थे तब वो इसके सचिव हुआ करते थे। रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव और तमाम सारे जो यादव परिवार के समाजवादी पार्टी के नज़दीकी लोग थे वो इस ट्रस्ट में सदस्य हुआ करते थे। तो फिलहाल अब जो लोहिया ट्रस्ट है उसका ये जो बंगला है विक्रमादित्य मार्ग पर उसे फिलहाल राज्य संपत्ति विभाग की तरफ से खाली करा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा इस रोड के बारे में आपको बताता हूँ कि विक्रमादित्य मार्ग पर मेरी दाहिनी तरफ ही आगे समाजवादी पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है और इसके अलावा बाईं तरफ आगे पहले मुलायम सिंह यादव का बंगला हुआ करता था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया कि तमाम सारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बंगले खाली कराए जाएंगे उसके बाद फिलहाल वो बंगले भी खाली करा लिए गए हैं और अब लोहिया ट्रस्ट पर भी राज्य संपत्ति विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।